गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जनरली में इसका जो टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी में, देखिएगा कि नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब का वेटेज 11th के पोर्शन से बहुत ज़्यादा है। चूँकि हम लोग जो प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं उसमें से आपका 11th के पोर्शन से ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। प्लांट फिजियोलॉजी में जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में पढ़ना है उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसके बाद में आपको फोटोसिंथेसिस, उसके बाद में रिस्पायरेशन, मिनरल्स, प्लांट ग्रोथ, इतना पार्ट आपको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में। उसमें से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको रिस्पायरेशन में पूछा जाएगा, फोटोसिंथेसिस में पूछा जाएगा, ट्रांसपोर्ट में पूछा जाएगा, मिनरल्स और प्लांट ग्रोथ। ये तो आपको डायरेक्ट बस याद रखना है कि कौन सा मिनरल से कौन सा डिजीज होता है, उसके टॉक्सिसिटीज क्या होगा, हाइपोस क्या होगा, हाइपर से क्या होगा। लेकिन इस प्लांट फिजियोलॉजी में आप जब रिस्पायरेशन में देखिएगा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है, वो भी इसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। यानी कि इसमें अगर 1000 लड़का होगा तो इसका क्वेश्चन जो होता है उसमें से 5 लड़का बना पाएगा। इसलिए इसमें हम स्टेप बाय देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर अच्छा एक बात और जानना है कि हम लोग ये ना सोचेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो रिस्पायरेशन पढ़ते हैं वो रिस्पायरेशन केवल प्लांट में ही होता है, ये एज ए जनरल पढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन के अंदर में भी, सेल के अंदर में जो रिएक्शन होता है एक ग्लूकोज के लिए, वो सब तो ये रिस्पायरेशन जो पढ़ते हैं हम लोग, इसमें से वो रिस्पायरेशन जो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के रिस्पायरेशन तो पढ़े हैं, लेकिन इसमें ओरिजिनल में से इसमें से हम लोग जो रिस्पायरेशन का टॉपिक है इसमें ओरिजिनल में आप फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखिएगा कि किस तरह से हमारे बॉडी में एक हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज जाता है, वो किस तरह से हमको हमारे बॉडी के अंदर में मेटाबोलाइज होकर वो एनर्जी देता है। ओरिजिनल फॉर्म है, भले इसका नाम रिस्पायरेशन है, लेकिन स्पेशली इसको पढ़िए कि इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले एक आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, बाकी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग बता रहे हैं कि रिस्पायरेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि रिस्पायरेशन में हम लोग क्या देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम अगर सबस्ट्रेट लेवल का देखेंगे तो ग्लूकोज, रिस्पायरेशन में अहम भूमिका जो होता है, मेन इम्पोर्टेंस जो होता है वो ग्लूकोज का है। ये ग्लूकोज ही सारा जितने भी रिस्पायरेशन का एक पार्ट में अगर ये इसको आप मानिए तो यही एक ऐसा है जो सारे को पूरा फिल्म को एक डायरेक्टेड डायरेक्शन देने का काम ग्लूकोज ही करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक ग्लूकोज है वो क्या करता है हमारे सेल के अंदर में जाके। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप देखिएगा कि अगर हम बाहर से किसी भी सोर्स से जब हम ग्लूकोज को लेते हैं, क्योंकि आपको पता है चाहे आप प्रोटीन लें चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लें, सारा का लास्ट में वो फॉर्म होता है ग्लूकोज में ही टूटता है। तो जब वो ग्लूकोज, तो ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं इसको जनरली में पढ़ते हैं कि जब एक ग्लूकोज किसी भी ये सेल है किसी भी सेल के अंदर में अगर एंट्री करता है ग्लूकोज, तो सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म में जाता है। दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद में वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज जो हम लोग ग्लूकोज लिए हैं वो हमारे सेल के अंदर में जब एंट्री करता है, तो आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। वो जब 6 कार्बन कंपाउंड को जब ये सेल के साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है, दिस इज द साइटोप्लाज्म, तो ये 10 स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है। और 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है तो 10 स्टेप से इसको गुजरना पड़ता है। उस 10 स्टेप को हम लोग जानने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि वो
10 स्टेप साइटोप्लाज्म से लेके माइटोकॉन्ड्रिया तक किस तरह से होगा, स्पेशली ये 10 स्टेप के अंदर में तो साइटोप्लाज्म के ही अंदर में देखिएगा किस तरह से उसको फॉर्मेशन होता है, साथ साथ में उसके साथ में एंट्री करेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जब कोई भी ग्लूकोज, बाकी हम डिटेल बताएंगे सब, जब ग्लूकोज एंट्री करता है उसका ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है, और ये पाइरूवेट क्या करता है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। जब ये पाइरूवेट में बदलता है तो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जब ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है तो जो पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड का था वो फिर 2 कार्बन कंपाउंड में बदल जाता है, जिसको कि एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। इस जब C3 कार्बन कंपाउंड जब ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से पाइरूवेट में बदलता है, तो पाइरूवेट से जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एंट्री करता है तो लिंक रिएक्शन होता है जिसमें से ऑक्सीडेशन होता है, CO2 वहाँ से निकलता है, तो लिंक रिएक्शन से वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोलिन में। एसिटाइल कोलिन में बदलने के बाद में ये चला जाता है, ये जो लिंक रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में है, ये चला जाएगा आपको क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में जब एंट्री करेगा तब ये क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा तो CO2 को बाहर करेगा। तो आप देखते हैं कि एक पोरफॉर्मा आपको बता दिए कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज इंट्री किया, ग्लूकोज इंट्री करने के बाद में वो साइटोप्लाज्म में गया, देख रहे हैं 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है उसको। ये साइटोप्लाज्म से वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, पाइरूवेट में। उसके बाद में यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड था, ये किस में बदल गया, 3 कार्बन कंपाउंड में। उसके बाद में ये एंट्री किया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री किया तो 2 कार्बन कंपाउंड में बदला, 2 कार्बन कंपाउंड में बदला, यहाँ पे CO2 निकला। साथ में इस प्रोसेस को हम लोग लिंक रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में ये 2 कार्बन कंपाउंड में बदला तो एसिटाइल कोलिन, इसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। इसके बाद में ये कहाँ चला गया, क्रेब्स साइकिल के अंदर में, और क्रेब्स साइकिल के अंदर में जब गया तो वहाँ से क्या किया, CO2 बाहर किया। साथ साथ में जब लिंक रिएक्शन होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने अंदर में लेता है। तो देखिए पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या देखिए, सबसे पहले स्टेप बाई आपको समझा दिए कि अगर इंस्पायरेशन होगा तो बाहर से हम लोग ग्लूकोज को लेंगे, ये ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर में एंट्री करेगा, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर में एंट्री करेगा, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसको 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है। ये ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलेगा, पहले था 6 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एंट्री करेगा, 3 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके 2 कार्बन कंपाउंड में बदलेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग लिंक रिएक्शन बोलेंगे, वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोलिन में। ये एसिटाइल कोलिन फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर में जाएगा, और क्रेब्स साइकिल के अंदर में जाने के बाद में CO2 वहाँ से रिलीज करेगा, और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके अंदर में, रिस्पायरेशन पढ़ते हैं, जो कि हम डिटेल इसका पढ़ेंगे किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है, कितना टीन इसमें क्या रिएक्शन होता है, कितना ATP का फॉर्मेशन होता है, कितना ATP बनता है, CO2 किस किस प्रोसेस में निकलता है, ये सारा क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल होता है। आप इस तरह से इसको पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। बस यहाँ पे इंट्रो आपको दे दिए कि अगर हमारे सेल के अंदर में ग्लूकोज इंट्री करता है कौन कौन सा केमिकल कंपाउंड में बदलता है, कि कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे वो जाता है, और कौन 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 सा केमिकल का फॉर्मेशन करता है, इसके बारे में हम लोग बस अभी डिटेल जाने, फिर विशेष का जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, 10 स्टेप क्या है, किस तरह से लिंक रिएक्शन होता है, किस तरह से क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोलिन किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। धन्यवाद।